प्रदेश के बरेली थाना आंवला के ब्योधन खुर्द के रहने वाले संदीप शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा ने डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनका वर्ष 2018 में आगरा में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इनके पैर दो जगह से टूट गए थे। पैर में रॉड आगरा में ही डाली गई थी और संदीप वापस बरेली आ गए। साल भर पहले इनके पैरों में दोबारा तकलीफ हुई और रॉड निकलवाने की बात हुई, तो उन्होंने बदायूं रोड स्थित रामगंगा हॉस्पिटल के डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा से संपर्क किया। उन्होंने रॉड निकालने और घुटना बदलने का 1.25 लाख रुपया बताया। संदीप शर्मा ने ये रुपया आंवला विधायक पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह के विधायक निधि से 1.25 लाख रुपया मेडिसिटी अस्पताल में उनके कहने पर ट्रांसफर करवाए। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने वो 1.25 लाख रुपया रामगंगा अस्पताल में अपने नाम ट्रांसफर करा दिए। संदीप शर्मा को इलाज के लिए भर्ती किया और उन्होंने उनके पैर की रॉड निकाली। रॉड निकालते समय 2 स्क्रू पैर में ही छोड़ दिए, घुटने की सर्जरी नहीं की और कूला भी टूट गया। मेरा 2018 में एक्सीडेंट हुआ था, इलाज आगरा में हुआ था, वहीं पर एक्सीडेंट हुआ था। 2019 में घर आ गया था और घर आने के बाद में मेरे को मशवरा दिया गया था श्री रामगंगा हॉस्पिटल राघवेंद्र शर्मा जी के यहाँ का। तो वहाँ पे आके मैंने 2019 से स्टार्टिंग यानी मार्च से और दिसंबर तक उनके पास एक्सरसाइज वगैरह सारी चीज़ें कराता रहा। जब उन्होंने बुलाया 15 दिन में, महीने में, इस तरीके से। फिर मेरे पास पैसा ख़त्म हो चला था, फिर मैंने विधायक निधि से अपने आंवला सांसद विधायक जी से सांसद निधि को पास कराया था 1,25,000। वो नवंबर लास्ट में जा दिसंबर लास्ट में 2019 के रिलीज़ हो गया। एक साल तक डॉक्टर साहब टालते रहे कि आज करें। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। क्या नाम है उनके अस्पताल का? श्री रामगंगा हॉस्पिटल। जो रुपया दिया गया था वो मेडिसिटी के नाम दिया गया था? जी, रुपया मेडिसिटी के नाम ट्रांसफ़र किया गया था। मेरे पापा को, तहेरे भाई को बहला फुसला के वो मेरा इलाज जो था वो रामगंगा हॉस्पिटल में कराना चाह रहे थे और उसी में ही उन्होंने कराया। तो ये रुपया अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया था उन्होंने। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।